विनिश टाइगून में आपका स्वागत है। मैं हूँ आदित्य बंसल। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको इन फ्यूचर काम आएगी, क्योंकि आगे चलकर मार्जिन कम हो रहे हैं और बिना मार्जिन के भी हम स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं, कभी भी मार्केट में, इस स्टॉक मार्केट में कसम खा के बैठ जाओ कि वन वे ट्रेड नहीं करना है, यानी कि कोई भी एक साइड ट्रेड नहीं करना है। आपको हमेशा हेजिंग करके काम करना है। कई लोग क्या करते हैं, मार्केट को देखा उन्होंने कि देखा निफ्टी 16931 चल रही है, प्लस में लग रही है, लगता है कि ऊपर जाएगी, तो क्या करते हैं, बिना उसके बाय कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि 16931 चल रही है और 17100 का कॉल देखा उन्होंने, अगर चल रहा है 98 रुपीज, बाय कर लिया। अब इसमें चांसेस ये रहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर नहीं गई, पहला चांस ऊपर नहीं जाती है, ठीक है, और दूसरा वहीं की वहीं घूमती रहती है, तो क्या होगा, आपका ये स्टॉक ऊपर जाने से रहा। दूसरा, नीचे मार्केट आती है और आपका प्रीमियम 90 हो जाएगा, फिर उसके बाद 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रेडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सॉरी, तो ट्रेडिंग करना है तो आपको अपने रिस्क को कम करके करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क देंगे, अगर रिस्क आप डिफाइन करके चलेंगे ना, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं ट्रेडिंग सेटअप, तो आपको करना क्या है। जैसे कि हमने इसको देखा, ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट हम ओपन करते हैं और इसकी ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ओके, पहले हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें पहले क्या किया था। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे के दिन अपनी एक हेज पोजीशन बना के रखी थी, ये वाली 16800 की कॉल बाय करके रखी थी और 16400 की पुट बाय करके रखी थी। ओके, और ये हमने की थी 31 रुपये पे, 30 रुपये पे दोनों बाय कर ली थी। ओके, और ये हमने क्यों बाय की थी, क्योंकि वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और आज ये 30 रुपये वाली 9 रुपये हो गई थी पुट, और ये हमने 120 रुपये पे निकाल दी। ठीक है, तो हमारा टोटल पॉइंट 60 रुपये लगा था और हमें रिसीव हुआ 129 रुपीज। ओके, तो पैसा उल्टे डबल हो गया। तो इस स्ट्रेटजी से क्या रहता है, लॉस होने के चांसेस, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती या 16800 को क्रॉस नहीं करती, तो मेरा इन दोनों में से रिस्क रहता। अगर ये 60 पॉइंट हमने दिए, 60 पॉइंट हमने दिए थे, अगर मंडे को मार्केट नहीं जाती तो दोनों का एवरेज मिला के या तो 50 हो जाता, ठीक है, तो मुझे 10 पॉइंट का लॉस होता। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे दिन भी मार्केट अगर नहीं जाती, वहीं की वहीं क्रॉस करती, तो फिर 10 पॉइंट फिर घट जाता, फिर हमारा एवरेज 40 हो जाता। दोस्तों, टोटल हमने रिस्क लिया था 60 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, क्योंकि दो दिन तक हम देखते हैं। और जनरली ऐसा होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, दोस्तों अभी तक हमने ऐसा देखा है कि जैसे कि आज हमने कोई भी स्ट्रेटेजी बनाई, नेक्स्ट वीक की हमने स्ट्रेटेजी बनाई, जैसे कि आज थर्सडे है, ओके, तो आज एक्सपायरी भी है, तो थर्सडे को क्या रहता है, एक्सपायरी के शाम के टाइम आप स्ट्रेटेजी बनाइए, उस टाइम आप दूर की एक कॉल और दूर की एक पुट, जो कि प्राइस चल रहा हो 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपये की कॉल और 30 रुपये की पुट, ये आपको दोनों को बाय करना है। ओके, तो आपका टोटल रहेगा 60 रुपये। ओके, टोटल आपका कितना 60 रुपये हो गया थर्सडे को आपने बनाई। और उसके बाद एक तो फ्राइडे आएगा। अभी दोस्तों, फ्राइडे के दिन क्या रहता है, फ्राइडे के दिन दो चांस रहते हैं, या तो मार्केट एक तरफा जाता है, कहीं भी जाएगा, नीचे जाए या ऊपर जाए, एक तरफा जाता है, या फिर वोलेटाइल रहेगा। ओके, क्योंकि फ्राइडे के दिन प्रीमियम भी कम होती है, तो फिर आपको अगर एक तरफा जाता है तो आपकी, ये आपने 30 रुपये पे खरीदी है और ये भी 30 रुपये पे खरीदी है, तो जैसे ही मार्केट एक साइड जाएगा, इसकी प्रीमियम बढ़ेगी और इसकी प्रीमियम गिरेगी। तो और मार्केट अगर एक तरफा जाता है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ये पोजीशन आप निफ्टी में बना सकते हैं, अगर मार्केट एक तरफा जाता है तो जितना ये पास आएगा उसकी प्रीमियम और जल्दी तेज़ी से बढ़ेगी, ये 60 हो जाएगी और ये अपनी 20 पर ही रहेगी। ओके, तो इस प्रकार से आप दोनों को बाय करके, जिसमें आपका मार्जिन भी कम लगेगा, इस प्रकार से आप दोनों को बाय करके प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दूसरा, आप अगर फ्राइडे के दिन, ओके, हमने क्या किया, फ्राइडे के दिन देखा, फ्राइडे के दिन एक तरफा जाती है, नहीं गई, उसके बाद आएगा मंडे, और मंडे के दिन, ओके, मंडे के दिन देखते हैं कि पोजीशन
एक तरफा जाती है मार्केट, अगर वो एक तरफा फिर भी नहीं गई तो ट्यूसडे के दिन हमारे पास ट्यूसडे है और वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है। दोस्तों ये 5 दिन के अंदर ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि मार्केट एक तरफा ना जाए। तो किसी भी दिन अगर हमारे एक तरफा जाती है और वो इन द मनी में आती है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप ट्राई करके देखना, बैक टेस्टिंग करना, प्रॉफिट बनता है। तो इसी प्रकार से हमने इसमें ट्रेड लिया था, 16,800 की कॉल बाय की थी, 16,400 की पुट बाय कर दी। आज तो मार्केट एक तरफा गया था और एक ही साइड गया था, तो हमने 2-3 ट्रेड लिए थे, आज हम आपको बताते हैं। पहले तो हमने ये देखिए, सबसे पहले हमने 16,400 की इसको सेल निकाल दी थी 9 रुपये पर और उसको 120 रुपये पर समथिंग, ठीक है, इन दोनों प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद 16,850 की कॉल और एक पुट, एक स्ट्रेडल हमने सेल किया था तो दोनों का, ओके, उसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी प्रॉफिट हो गया, ओके, देखते हैं कैसे। ये देखिए, और उसके बाद हमने एक और काम किया था, हैच करके काम किया था, और दूसरा 36,200 की कॉल और 36,000 की पुट, और बैकनेट भी चल रहा था 36,100, ओके। तो इससे 100 रुपये ऊपर, इससे 100 रुपये नीचे, कहीं भी अगर जाता है तो इंदा मनी में आएगा, और इंदा मनी में जो ट्रेड आता है उसकी प्रीमियम गिरती नहीं है, ओके। तो इसमें भी हमने ट्रेड लिया था और एकदम से मार्केट एक तरफ आ गया तो उसमें भी प्रॉफिट हो गया। बाकी हमने अपनी निफ्टी की पोजीशन को ये 72 वाली 60 रुपीज़ पर निकाल दी थी और दूसरी वाली हमने 87 रुपीज़ पर निकाल दी थी, दिख रहा है आपको, 87 रुपीज़ पर हमने इसको निकाल दी थी ये वाली, ओके। तो टोटल हमने आज ये देखिए, टोटल आपका प्रॉफिट है आपके पास लगभग 6,000 रुपीज़ का, ओके। तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, कभी भी आप नेग्ड पोजीशन बाय नहीं करेंगे अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं। हम चलते हैं ऑप्शन चेन में और ये देखिए आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो हम ट्रेड 2-3 टाइप से लेते हैं, ठीक है। पहले तो जो भी प्रीमियम 30 रुपये चल रहा है, ओके, तो 2 सितंबर का है वो, यहाँ पर 16,750 का चल रहा है 25 रुपये, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपायरी के नज़दीक आ चुके हैं तो ये 25 रुपये मिल रहा है और ये 31 रुपये 60 पैसे पे, ठीक है। तो हम इसको, आपको देखना 30 रुपये पे कौन सा मिल रहा है, 30 रुपये के आसपास, तो इसको 2500 का, 25 रुपये का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस पर डायरेक्ट 35 रुपये का है जो कि बहुत सही नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मार्केट की डिमांड को भी देखना है, ज़्यादा चांसेस हमें लगता है बुलिस का है, तो ठीक है, ये 31 रुपये 60 पैसे का मिल रहा है, तो आपको इन दोनों को बाय करके रखना है, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 55 पॉइंट का आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ट्रेड करना, अगर कहीं भी मार्केट एक तरफा जाता है, हमारे पास रेंज बहुत छोटी सी है, ये देखिए 17,050 और 16,750, निफ्टी चल रहा है 16,950 समझ सकते हैं। तो अगर ये 100-200 रुपये ऊपर नीचे होता है तो आपका प्रॉफिट बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो दोस्तों इन स्ट्रेटेजी में आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए बहुत ही कम अमाउंट है। अगर दोनों को बाय किया, 55 पॉइंट मिलते हैं तो आपका टोटल कितना लगेगा, 2750 रुपये समथिंग, ठीक है, इतना ही लगेगा ना। अगर ये दोनों के 60 पॉइंट भी मिलते हैं तो आपको 3,000 रुपये लगेगा, ठीक है। तो टोटल दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि 3,000 रुपये अगर आप लगाते हैं और उसमें से आपका लॉस अगर 2 दिन मार्केट नहीं गई तो आप 20 रुपये अपना लॉस रख सकते हैं, 20 पॉइंट का अपना लॉस रख सकते हैं, तो लॉस हो गया हमारा 1,000 रुपये, ठीक है, आप 1,000 रुपये का लॉस ले सकते हैं, क्योंकि इस पोजीशन बनाने में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि अगर मार्केट एक तरफा जाती है, निफ्टी की कंडीशन ये होती है कि वो जाती है तो एक मूवमेंट पकड़ सकती है, अगर जैसे ही आपने 3,000 रुपये इसमें लगाए और कोई भी कॉल 30 रुपये वाली 300 होने के चांसेस भी होते हैं, ओके, अगर वो 300 हो गई तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट होगा आप खुद सोचिए, 3,000 के 30,000 भी हो सकते हैं और 3,000 के 90,000 भी हो सकते हैं, और आपके पास
होने के लिए क्या है, ओनली 3,000 रुपये। ओके, वो भी आपको पूरा नहीं जाएगा, कुछ तो बचेगा उसमें, एक तरफा तो जाएगा। अगर ये 20 हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी, दोनों 20-20 हो जाएंगे, दोनों 15-15 हो जाएंगे, तो 30 पॉइंट मिलेगा। आप 50% का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मार्केट अगर एक बार आपने लॉस कर लिया, ठीक है, एक बार आपने लॉस कर लिया तो हर बार नहीं, ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी लॉस हो। आपका लॉस अगर आपने 2 बार भी लॉस कर लिया, 3 बार भी लॉस कर लिया, तो एक दिन ऐसा आएगा ये सारा लॉस एक ही बार में कवर हो जाएगा। ऑप्शन सेलर, कई लोग ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन सेलर में ये नहीं कहता, प्रॉफिट नहीं करते, ऑप्शन सेलर टुकड़ों में पैसा कमाते हैं, 0.50%, 1%, 2% कमाते हैं। लेकिन जब ऑप्शन एक दिन जब मार्केट में ट्रेंड होता है ना, तो उससे ज़्यादा गवा देते हैं। तो आप मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपनी पोजीशन को बना के रखिए। मार्केट के ट्रेंड को कैसे देखना है आपको, अगर मार्केट वोलेटाइल होता है, ठीक है, तो प्रीमियम दोस्तों कम होती हैं, ये बात ध्यान रखना। मार्केट वोलेटाइल होता है तो प्रीमियम कम होती हैं, तो आपको हमने जो बताया स्ट्रेटेजी बाय करना है, आपको एक स्ट्रेंगल बाय करना है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल, ठीक है। स्ट्रेंगल की आईबी भी कम होती है तो आपको लॉस ज़्यादा होने का डर नहीं रहता, मतलब आईबी कम होती है तो गिरती जरूर है, क्योंकि हमारे पास 30 रुपये की प्रीमियम है, उससे ज़्यादा क्या गिरेगी, 25 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर 100 रुपये 150 रुपये की प्रीमियम में ले लेंगे तो वो 80 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, 50 भी हो जाएगी, 30 भी हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। अगर मार्केट वोलेटाइल है तो आप स्ट्रेंगल बाय कर सकते हैं। अगर दूसरा आपका, अगर मार्केट वोलेटाइल है, अगर 2-3 दिन से लगातार वोलेटाइल हो रहा है, तो शाम के टाइम आप स्ट्रेंगल बाय करना, ठीक है, मार्केट को देख कर। और मार्केट एक तरफा जाता, दूसरा मार्केट वोलेटाइल है तो आप स्ट्रेडल भी सेल कर सकते हैं। स्ट्रेडल मानी कि ATM की कॉल पुट, दोनों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग की तो बात, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा रखता है, हम यहाँ पे कम मार्जिन की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट वोलेटाइल है, 2 दिन वोलेटाइल, आपने देखा कि मार्केट में मूवमेंट बहुत कम आ रही है, तो प्रीमियम उस टाइम कम मिलेंगे, और प्रीमियम कम मिलने का मतलब है आपके जैकपॉट लगने वाला है। प्रीमियम कम मिलेंगे, एक दिन आएगा कि वो प्रीमियम एक तरफा जाएगा और बढ़िया प्रॉफिट आपको ले जाएगा, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए। तीसरा मार्केट अगर बुलिश है, तीसरी स्ट्रेटेजी है, तीसरा मार्केट अगर बुलिश है तो आप कौन सा बाय करेंगे, कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हमारी कैलेंडर स्प्रेड की पोजीशन लगी हुई है अपने आप स्टॉक्स के अकाउंट में। और अगर आप हमारी ट्रेडिंग वीडियोस लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करना है। हमारे 5-6 पार्टनर हैं, अप स्टॉक्स है, जेरोधा है, आस्था है, स्टॉक्स कार्ट है, एंजल ब्रोकिंग है और एलाइज ब्लू है। इन सब में से किसी में भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है और साथ साथ हमारी जो आपको सिखाएंगे हम पूरी लर्निंग प्रोसेस, उसमें आपका हिस्सा बन सकते हैं और हमारे जो VIP ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, VIP ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें VIP मेंबर्स ज्वाइन होते हैं। तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करना है और उसी में वर्क करना है। अगर आप उसी में वर्क करते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और VIP ग्रुप में आप ज्वाइन हो पाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करिए। दोस्तों कुछ डाउट है आप बताइए ज़रूर, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे ये स्ट्रेटेजी में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे अगर ऐसे होता तो सर को सब कोई वही नहीं कर लेते। दोस्तों लॉस तो सभी कर रहे हैं, आप लॉस तो कर ही रहे हैं ना, एक बार इसको अजमा के देखिए। ये हमने आपको लो रिस्क की स्ट्रेटेजी बनाई है सक्सेसफुल, जिसमें हमने कई बार एंट्री ली है और सक्सेसफुल मिला है इसमें। ओके, तो आप इसमें ट्रेड करिए और दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं 50% का, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 50% का स्टॉप लॉस लगाइए, 1500 रुपये का लॉस होगा, ठीक है, 1500 रुपये का लॉस होगा। ओके, 3000 रुपये देकर 1500 का लॉस ले सकते हैं। और अगर जिस दिन आपको जैक मोड मिल गया तो उस दिन 30000 रुपये का प्रॉफिट ही होगा, छोड़ना मत। जिस दिन प्रॉफिट मिले पकड़ के रखना, मतलब मार्केट अगर मूवमेंट पकड़ता है तो आपको अपना प्रॉफिट जल्दी बुक नहीं करना, पूरा लेके ही जाना, निचोड़ के रखना है पूरा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।